पे सवाल किया है, तो पेंडिंग रिजल्ट को लेकर आज लोक सेवा आयोग से हमने जरूर पूछने का प्रयास किया। और अब देखिए सही मायने में अब लोक सेवा आयोग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो चुका है भर्तियों के रिजल्ट निकालने का, 8 पोस्ट कोड के रिजल्ट निकालने हैं और सरकार ने डायरेक्शंस दे दी है। तो ऐसे में अब लोक सेवा आयोग के पास बहुत सारे पोस्ट कोड का पूरा ब्यौरा पहुंच चुका है और आयोग ने कोशिश कर ली है, आयोग ने प्रोसेस शुरू कर दिया है कि जल्द से जल्द जो है वो इन भर्तियों के रिजल्ट यहाँ पर निकाले जा सके। और इसी के साथ ओपीएस को लेकर बात करते हैं, बहुत सारे कर्मचारियों की ओपीएस बहाल हो चुकी है, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारी जो है वो अभी तक ओपीएस बहाली का इंतजार कर रहे हैं। और आज जो है राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने ओपीएस बहाली के लिए 21 जून तक की मोहलत राज्य सरकार को दी है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा के बाद भी पुरानी पेंशन बहाल ना होने पर ये कर्मचारी एक बार फिर से बिफर चुके हैं और इस बाबत प्रबंध निदेशक को पत्र भेजकर यूनियन ने आज चेतावनी दी है और कहा है कि 21 जून तक अगर अधिसूचना जारी नहीं हुई तो प्रदर्शन करने को वो एक बार फिर विवश हो जाएंगे। और बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर विभिन्न कर्मचारी यूनियनों ने 25 मई को बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला के बाहर प्रदर्शन किया था और मुख्यमंत्री ने धर्मशाला दौरे के दौरान मामले में हस्तक्षेप करते हुए 2-3 दिन के भीतर ओपीएस बहाल का आश्वासन इन कर्मचारियों को दिया था, लेकिन अभी तक जो है वो इन कर्मचारियों को ये ओपीएस नहीं मिल पाई है। और नतीजन जो है वो आज बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर उनकी ओपीएस बहाल नहीं होती है तो ऐसे में अब वो उग्र प्रदर्शन करें। देखिए तो हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों की बात करें तो आउटसोर्स के कर्मचारी पहले भी लंबे समय से पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कैटेगरी आउटसोर्स की हिमाचल प्रदेश में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है। सबसे पहले आप देखिए तो हेल्थ डिपार्टमेंट में काफी संख्या में आउटसोर्स के कर्मचारी जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इसके अलावा शिक्षा विभाग में काफी संख्या में आउटसोर्स के जो कर्मचारी है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और लेकिन आउटसोर्स कर्मचारी अभी तक अपने आप को एक ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि उनके वेतन की बात हो या फिर उनके तमाम नियमों की बात हो तो अलग अलग तरीकों से वो अपने लिए लड़ाई भी लड़ते हैं, सरकार से मांग भी करते हैं कि उन्हें प्राइवेट कंपनियों से छुटकारा दिलवाया जाए और सरकार उन्हें अपने अंडर लाए। लेकिन ये नतीजा ये है कि अभी तक फिलहाल चाहे कोई भी सरकार रही हो, आउटसोर्स के लिए कोई भी नीति जो है वो कोई भी सरकार बड़ी आसानी से नहीं ला सकी है। और अभी तक जो है वो आउटसोर्स के कर्मचारी कई कर्मचारियों को निकाल दिया गया, उनकी नौकरियों की जो बहाली है वो अभी तक नहीं हो पाई है और अब बहुत सारे ऐसे आउटसोर्स के कर्मचारी है जिनका वेतन रुका हुआ है और अभी तक उनको वेतन नहीं मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की, तो यहां पर आप देखिए तो श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक, यहां पर जितने भी तैनात आउटसोर्स के कर्मचारी हैं इनका वेतन लगभग 3 महीने से नहीं मिल रहा है। इसमें 350 नर्स है, स्टाफ नर्सेज, नियमित कर्मचारियों सहित सुरक्षा कर्मियों, वार्ड बॉय सहित अन्य कर्मचारियों को 90 दिन से जो है वो वेतन नहीं मिल पाया है। और सामूहिक बैठक में आज इन कर्मचारियों ने सरकार और विभाग को अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द उनका वेतन दिया जाए अन्यथा वो धरने पर बैठेंगे। तैनात एसएमसी शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है, पिछले कल भी कहा था कैबिनेट में ये मंजूरी दे दी थी और अब जो है वो शिक्षा विभाग को आज सरकार ने ये डायरेक्शंस दी है कि एसएमसी के लिए किस तरह से पॉलिसी बनाई जा सकती है और किन किन नियमों को इसमें फॉलो किया जा सकता है, उसके डिटेल्स जो है वो यहां पर मांगी गई है। और अब एसएमसी के लिए पॉलिसी बनेगी और वन टाइम ट्रांसफर का जो मौका है वो एसएमसी के शिक्षकों को दिया जाएगा, तो पहली दफा जो है वो सरकार ने ये इतना बड़ा कदम यहां पर उठाया है।